हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस. तो ये जो सीरीज़ है कुछ वीडियो लेक्चर्स की, इसमें हम क्लास इलेवेंथ का जो इनऑर्गेनिक का कंटेंट है उसका रिवीजन कर रहे हैं. तो जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट और हाइड्रोजन का रिवीजन किया था. उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रिवीजन किया. तो इसके अंदर हम पी ब्लॉक का रिवीजन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो पी ब्लॉक के अंदर देखिए, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होता है हमारे पास में, सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स और ग्रुप 14 एलिमेंट्स क्लास 11th में इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले ये जो हमारे पास में इन जनरल ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसका एक जस्ट एनालिसिस अगर हम कर देते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियस को लेकर के. जनरली हम देखते हैं तो डाउनवर्ड मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बट ग्रुप 13 एलिमेंट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है. बोरोन से एल्यूमिनियम आते समय साइज इंक्रीज हो रहा है, जो एक जनरल ग्रुप ट्रेंड होता है वैसा ही ट्रेंड है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जाते समय एटॉमिक साइज में डिक्रीज हो गया. एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस गिवन है 143 पीएम गिवन है, और गैलियम के लिए ये शो कर रहा है, डेटा दिखा रहा है 135 है. तो ये एल्यूमिनियम का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और गैलियम का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होने की वजह से. तो यहाँ पे उसका एक इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा गैलियम के अंदर, तो उससे इसका जो एटॉमिक साइज है वो थोड़ा श्रिंक कर जाएगा. तो एक ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड नोटिस करने वाला है, द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ अब बाकी के अंदर जो है जैसा रेगुलर ट्रेंड होता है ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने करते समय वैसा ट्रेंड नज़र आ रहा है. तो इन जनरल आप इसको अरेंज कर सकते हो कि जो बोरोन है वो स्मॉलेस्ट इन साइज, बोरोन के बाद में जो है गैलियम आएगा, गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में इंडियम एंड थेलियम आ जाएगा. तो एक तो ये एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो है इरेगुलरिटी है उसमें. दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें भी हम एक जो है डिस्क्रिपेंसी नोटिस कर सकते हैं. जनरली ग्रुप में डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर. तो यहाँ पे भी बेसिकली जो है एल्यूमिनियम बोरोन के रेस्पेक्ट में जो है वो ज़्यादा मेटेलिक है, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अगेन आप जब देखेंगे यहाँ पे तो गैलियम में जो है स्लाइटली इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया इस चीज़ के लिए यहाँ पे. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर जो है, मतलब देखिए बोरोन के रेस्पेक्ट में तो कमी हो गया यहाँ पे, बट एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है स्लाइटली. सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. तो एक ये सेकेंड जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फिर यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखेंगे, स्पेशली ये बोरोन बीइंग ए कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. बोरोन की वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है, तो अलग अलग टाइप की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के लिए अलग अलग रीजंस हैं. तो यहाँ पे हमें जस्ट ये ध्यान रखना है कि अमंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर मैक्सिमम फॉर बोरोन. मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक और आप पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास में थेलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है, अराउंड 303 केल्विन. तो ये जो है थोड़ा सा अगर टेम्परेचर अगर रेज हो जाएगा तो ये तो मेल्ट हो जाएगा आसानी से. नाउ फिर एक और यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो M3+2M का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ट्राइवेलेंट कैटाइन का रिडक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी थेलियम के लिए मैक्सिमम, बाकी सब के लिए नेगेटिव है. थेलियम के लिए जो इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी इस चीज़ के लिए. नाउ जो हमारे पास में यूनिवेलेंट कैटाइन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव होगा. तो ये कुछ ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ है उसका एक ही हमने क्विक रिवीजन किया है. अब इन डेटास को आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है और अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको आपको आंसर करना है. ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उसमें बोरोन के कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, बोरेक्स इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, और ये बेसिकली एक पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड है, मैनी सेंट्रल एटम है इसके अंदर. तो बेसिकली चार बोरोन है, ऑल आर बी एक्टिंग एज ए सेंट्रल एटम, सो इट इज अ टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स हैविंग स्ट्रक्चर B4O5OH होल 4.
2 minus, and correct formula is written in this tetranuclear unit form. Now, ek aur important compound hai boron ka, that is orthoboric acid. So, orthoboric acid is again white crystalline solid having formula H3BO3, and ye ek soapy touch type ka compound hoga. It is sparingly soluble in water but highly soluble in hot water. जैसे लेड आयोडाइड जो होता है, लेड क्लोराइड जो होता है, इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सोल्युबल इन हॉट वाटर, तो उसी टाइप का ये जो होगा. एंड दिस बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स का सॉल्यूशन अगर हम एसिडिफाई करेंगे तो ये इस टाइप से प्रिपेयर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में है, बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो एक टाइप का लेयर स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर प्लेनर BO3 यूनिट्स जॉइंट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ लेयर टाइप स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसको ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है. तो जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व, सो लेयर स्ट्रक्चर विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है बोरिक एसिड के लिए, ये एक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, ये ट्रू है, लेकिन ये प्रोटिक एसिड नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसको वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे तो ये आयोनाइज होकर के H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है. ये एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है. वाटर का H+, वाटर से जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर का H+ जो है वो रिलीज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन में दिखाया गया है. तो ये हम कह सकते हैं बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. It is not a protonic acid. Protonic acid का मतलब है not release H+ ion when dissolved in water. So, but act as a Lewis acid by accepting electron from hydroxyl ion of the water molecules. तो ये इस type से एक important information हमारे पास में boric acid से related आ गई. Now, boron के जो compounds, इसमें एक और important compound है diboron. और डाइबोरिन की जो अमोनिया के साथ रिएक्शन है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ डाइबोरिन गिव्स इनिशियली एडक्ट, जिसमें एक मोल डाइबोरिन और दो मोल अमोनिया कंबाइन करते हैं. एंड दिस एडक्ट कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सम आयनिक स्पीसीज. ऑन फर्दर हीटिंग दिस एडक्ट प्रोड्यूस एन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड एज बोराजीन, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन. सो इट इज साइक्लिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक बेंजीन. और आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की जो है वो रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे. नाउ डाइबोरेन व्हेन ट्रीटेड विद लुइस बेसेस अंडरगोस क्लीवेज रिएक्शंस, एंड दिस क्लीवेज रिएक्शंस कैन बी सिमेट्रिकल टाइप रिएक्शन और इट कैन बी अनसिमेट्रिकल टाइप रिएक्शन. तो जो बिगर साइज के लुइस बेसेस होंगे उनके साथ जब डाइबोरेन रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल जो डाइबोरेन का है वो सिमेट्रिकली क्लीव हो जाएगा. और सिंपल लुइस बेसिस के साथ में, स्मॉलर साइज के लुइस बेसिस के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो अनसिमेट्रिकली क्लीव हो जाएगा. तो ये जो हमारे अमोनिया के साथ जो रिएक्शन हो रही है डाइबोरिन की, उसमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे देखेगा आप इसके अंदर ये जो कंपाउंड मेंशन है ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के थ्रू मेंशन है. BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस एंड BH4- जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे जो डाइबोरिन का स्ट्रक्चर है दैट इज इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता रहता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन इज शोन ऑन स्लाइड. सो यू कैन सी देर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स दैट लाई इन 1 प्लेन, एंड अबव एंड बिलो दिस प्लेन देर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स. सो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, वाइल 2 ब्रिजिंग BHB bonds are 3 center 2 electron bond, or we can also call them as banana bonds or electron deficient bond. Now, ये boron and its compound में important chemistry है, इसको आप और revise करिएगा. ठीक है, अब हम aluminium की बात अगर करते हैं तो aluminium has a high electrical and thermal conductivity. On a weight to weight basis, the electrical conductivity of aluminium is twice that of copper. एक fact type की information है. Now, group 14 की बात हम कर लेते हैं. ग्रुप 14 के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. सो डायमंड और ग्रेफाइट को अगर आप देखोगे तो इसमें मेन जो है हम एक डेंसिटी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो डायमंड हैज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.5 एंड दैट ग्रेफाइट हैज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 2.3. तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट. नाउ
डायमंड जो होगा वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये दो इंपॉर्टेंट जो है यूनिक प्रॉपर्टीज है. डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एक टाइप का सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 है. ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, नियरली 1.5 के आसपास उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में ग्रुप 14 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स भी मिलेंगे ग्रुप 14 के अंदर. तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आइदर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड्स आर एसेंशियली बेसिक इन नेचर. इन सम केसेस दे कैन बी एम्फोटेरिक एंड एसिडिक. एसिडिक तो मेटल ऑक्साइड एसिडिक तभी होता है जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है. ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली प्लस 5 एंड मोर होती है, तभी एक मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक टाइप का होगा, अदरवाइज जो है वो या तो एम्फोटेरिक होगा या फिर बेसिक होगा. और जो सेमी मेटल टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड जो हैं वो एसेंशियली एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं. तो ग्रुप 14 के अंदर तीनों टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं. सो ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये तो एक इन जनरल स्टेटमेंट कहा गया है, इसका कोई ग्रुप 14 से रिलेशन नहीं है, बाकी ग्रुप्स के लिए भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. सो ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकन, ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम आर एसिडिक, वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ टिन एंड लेड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. तो देखिए टिन और लेड जो है वो एम्फोटेरिक टाइप के ऑक्साइड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं. तो यहाँ पे जो है वो कोई भी आपको बेसिक ऑक्साइड्स नजर नहीं आ रहा है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एसिडिक टाइप का है या फिर जो है एम्फोटेरिक टाइप का है. तो कार्बन सिलिकन एंड जर्मेनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक है, टिन और लेड का जो ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक है. नाउ अब अगर हम जो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कार्बन का जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल टाइप का होगा और जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक टाइप का होगा, लेकिन अगेन टिन और लेड के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होंगे. सिलिकन का ऑक्साइड जो है वो, सिलिकन का जो मोनो ऑक्साइड्स है वो अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो ये यहाँ पर ऑक्साइड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे स्टडी की है. नाउ अब ग्रुप 14 एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो इनकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है, सो कार्बन सिलिकन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर. डायरेक्टली वाटर के साथ कार्बन की, सिलिकन की और जर्मेनियम की कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन टिन जो है दैट गेट डिकम्पोज व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टीम. सो टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस. सो मोस्ट ऑफ द मेटल जब स्टीम के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो स्टीम का डिकम्पोजिशन हो जाता है. तो यहाँ पे टिन भी एक उसी कैटेगरी का मेटल है. सो टिन व्हेन कंबाइंड विद स्टीम फॉर्म SNO2 एंड H2. सो लेड इज अनअफेक्टेड बाई वाटर एंड द मेन रीजन वी कैन से बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ लेड. नाउ ग्रुप 14 एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स है उसको अगर हम देखेंगे, स्पेशली जो डाई हैलाइड्स हैं, सो स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो यहाँ पे मेन रीजन हम कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड जाने से इंक्रीज हो रही है, इसलिए डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डाउनवर्ड मूव करने पर. सो कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जीई जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाई हैलाइड, whereas lead dihalide is more stable than lead tetrahalide. So except CCl4, other tetrahalides are easily hydrolyzed. CCl4 cannot be hydrolyzed, all other tetrahalides can be easily hydrolyzed. So यहाँ पे reason हम ये कह सकते हैं कि the central atom can accommodate lone pair of electron from water by accepting electron pair in their vacant empty d orbital, the reaction will be initiated for their hydrolysis. Now silicon can expand its octet and can achieve a coordination number of 6, लेकिन इसके अंदर smaller size का जो fluoride आयन है सिर्फ उसी के साथ इसका coordination number 6 जो है वो possible हो सकता है. So SiF6 2- is known, whereas SiCl6 2- is not known. So SiF6 2- is known, whereas SiCl6 2- is not known. The order of catenation
ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन. सो मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इज शोन बाय कार्बन. सो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज कार्बन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज ग्रेटर देन इन जर्मेनियम. एंड जर्मेनियम और टिन के अंदर जो कैटिनेशन एबिलिटी है वो नियरली सेम है. बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कैटिनेशन होता है और लेड में बिल्कुल भी कैटिनेशन पॉसिबल ही नहीं है. सो लेड डज नॉट शो कैटिनेशन. तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं. नाउ अब यहाँ पे कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो फुलेरिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर है. एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की. सो फुलेरिन आर दी ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की जो वेरियस फॉर्म्स है लाइक चारकोल एक एमॉर्फस फॉर्म है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है. तो इन सभी फॉर्म्स को अगर हम देखते हैं चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, तो इसमें से जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो फुलेरिन फॉर्म है. फुलेरिन के अंदर बेसिकली जो डैंगलिंग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल जो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बिल्कुल सरफेस वाला जो कार्बन एटम है उसके चार बॉन्ड्स फुलेरिन में ही पॉसिबली बने होंगे. डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो बिल्कुल एंड वाला जो कार्बन एटम है उसके फोर बॉन्ड्स कार्बन के साथ तो नहीं बन सकते हैं, वो किसी अदर इम्प्योरिटीज के साथ में जो है फोर्थ बॉन्ड कार्बन का बना होगा. सो फुलेरिन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग बॉन्ड्स. सो फुलेरिन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स हैविंग फॉर्मूला C60 एंड इट्स शेप इज लाइक शॉकर बॉल एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलेरिन. नाउ फुलेरिन के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये यहाँ पे जैसे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 फाइव मेंबर रिंग्स. बाकी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास में जो रिंग इज फ्यूज इन सच ए वे दैट विद सिक्स और फाइव मेंबर रिंग्स बट फाइव मेंबर रिंग कैन ओनली फ्यूज विद ए सिक्स मेंबर रिंग. तो यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो उससे आइडिया चल जाएगा, ठीक है. बट एक जस्ट मेरे हिसाब से तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द फुलेरिन कंटेन्स सिक्स मेंबर रिंग्स, 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 फाइव मेंबर रिंग्स. इस फुलेरिन के अंदर ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस. ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर 3 कार्बन एटम्स. द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डीलोकलाइज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच इन टर्न गिव एरोमेटिक करेक्टर टू मॉलिक्यूल. सो फुलेरिन जो है वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है. तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे फुलेरिन के बारे में पता चल गई है. बाकी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है, दिस बॉल शेप मॉलिक्यूल है 60 vertices and each one is occupied by one carbon atom and is also contains both single and double bonds with CC distance of 143.5 pm and 138.3 pm respectively. तो ये फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई है. ना फिर देखेंगे कार्बन मोनोक्साइड को अगर हमें ऑप्टेन करना है ऑन स्मॉल स्केल. प्योर कार्बन मोनोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस प्योर कार्बन मोनोक्साइड. सो स्मॉल इन स्मॉल अमाउंट प्योर कार्बन मोनोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूजेस बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम विद रेड हॉट कोक. सो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड H2 प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस. Because this mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for the synthesis of large number of organic compounds. So that's why it is called as synthesis gas or syngas. Now when air is used instead of steam in reaction with coke, the gas produced is called as producer gas. एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन का जो है वो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, जो कि एक वीक डाई बेसिक एसिड है और दो स्टेप्स में इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट होगा. तो ये जितनी भी स्पीसीज हमें नजर आती है ये सारी स्पीसीज कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व रहेगी. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तो H2CO3 प्रोड्यूस होगा और H2CO3 फर्स्ट स्टेज आयोनाइजेशन होने से बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करेगा. बाइकार्बोनेट आयन फर्दर जब साइमल्टेनियसली आयोनाइज हो जाएगा तो कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हो जाएगा. सो ये एक टाइप का हमारा मिक्सचर हो गया. तो एनी सिस्टम हैविंग बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम एंड दिस टाइप ऑफ बफर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन pH ऑफ ब्लड बिटवीन 7.26 टू 7.42. नाउ ग्रुप 14 के अंदर एक और हमारा इंपॉर्टेंट मेंबर है सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड. तो इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2.
So 95% of earth crust is made up of silica and silicates. So silicon dioxide, commonly known as silica, occurs in several crystallographic forms. मतलब ये एक polymorphic substance है, इसकी various forms होती है, और important form जो है वो quartz है. उस quartz के अलावा जो हम कहेंगे तो ये cristobalite form में भी exist करता है, and tridymite form भी इसकी important form है. तो ये quartz, cristobalite and tridymite are three important crystalline form of silica. So and these are interconvertible at suitable temperature. Silicon dioxide is a covalently bonded compound, and it's a three-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to four oxygen atoms. Each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon atoms as shown in diagram. ये अभी हम देखते हैं. तो ये जो silicon dioxide का जो structural formula है वो एक important है. इसमें coordination number silicon का 4 है, और इसकी तीन जो है क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स होती है. वो ये अभी जस्ट जनवरी में जो एग्जाम हुआ था तो किसी एक पेपर में इन टर्म्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है. तो ये इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है. सो सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी. It resists the attack by halogen, dihydrogen and most of the acids and metals even at higher temperature, but it easily attacked by HF and sodium hydroxide. So silicon dioxide when reacts with sodium hydroxide form sodium silicate, and when react with HF form SiF4. So an important crystallographic form of silica is quartz, and this quartz is extensively used as piezoelectric material. Quartz is extensively used as a piezoelectric material. It has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and television broadcasting and mobile radio communications. Silica gel is again an important form of SiO2, and it is used as a drying agent and as a support for chromatographic materials and catalyst. That is an important form of SiO2 that is called as Kiselgur. An amorphous form of silica is used in filtration plants. So, ye Kiselgur jo hai, wo amorphous form of silica hai. Now, silicons ek polymeric category hai silicon ke compounds ki. So, they are group of organosilicon polymers which have this type of repeating unit. Jo aap apni screen pe dekh sakte hain ki ye repeating unit jo hai kis type ki hai. R stand for an alkyl group or phenyl group, hydrocarbon type ka part hai. So generally ye ek repeating unit hoti hai. Silicon char side se other atom se bonded hoga, do side se carbon chain se bonded rahega aur do side se oxygen se bonded rahega. To is repeating unit ka ek oxygen hai aur dusra next unit ka aa jayega. The starting material for the manufacture of silicons are alkyl and aryl substituted silicon chloride. So, ye RnSiCl4-N type ke jo compounds hain, alkyl or aryl substituted silicon chloride hum use kar sakte hain ye jo organosilicon polymers hain inko obtain karne ke liye. So, ye jo hamare paas mein alkyl or aryl substituted silicon chlorides hain, inka jab hum hydrolysis kar dete hain तो फिर ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस आइदर स्ट्रेट चेन सिलिकॉन पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक सिलिकॉन चेन पॉलीमर्स. तो ये जो है देखिए प्रिपरेशन है, हमने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड लिया, इसको सिलिकॉन के साथ कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट किया. तो ये क्लोरो हमारे पास में मतलब डाई मिथाइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया. अब इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इस टाइप से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये एक लीनियर स्ट्रेट चेन सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा. लीनियर स्ट्रेट चेन सिलिकॉन का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ पे हमें कोई ये पूछ सकता है कि ये जो लीनियर स्ट्रेट चेन सिलिकॉन पॉलीमर है, इसमें चेन को अगर ब्लॉक करना है, जो एंड ग्रुप है उनको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा होगा. सो चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड by adding trimethyl silicon chloride which blocks the ends as given in figure. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ये जो है डाइक्लोरो डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइज कर दिया, और जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है उसको भी हाइड्रोलाइज कर दिया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया. तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया. यहाँ ये चेन जो है वो ब्लॉक हो गई है, इस साइड में कहीं पे भी OH ग्रुप नहीं है.
इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा रहेगा तो ये फर्दर पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे हमने चेन को ब्लॉक कर दिया. नाउ सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप आर स्ट्रांगली वाटर रिपेलिंग इन नेचर. दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी बिकॉज सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड बोथ आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड दे ऑल्सो हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ high dielectric strength and their resistance, they resist towards oxidation by chemicals, resistance to oxidation and chemicals. They have wide applications and the important applications are, these are used as sealant, greases, electrical insulators and for waterproofing fabrics. Being biocompatible, they are also used in surgical and cosmetic implants. नाउ जो लास्ट कैटेगरी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर, ये सिलिकेट्स की कैटेगरी है. तो सिलिकेट्स आपको पता है कि बहुत टाइप के सिलिकेट्स होते हैं. तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ऑर्थो सिलिकेट होता है, फिर ये पायरो सिलिकेट्स हैं, फिर ये रिंग सिलिकेट या चेन सिलिकेट है और डबल चेन सिलिकेट है. तो ये वेरियस टाइप के सिलिकेट्स हैं. तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं. ऑर्थो सिलिकेट्स आर द सिंपलेस्ट सिलिकेट्स विच कंटेन SiO4 4 माइनस टेट्राहेड्रल यूनिट्स एंड नो ऑक्सीजन of these units is shared with any other neighboring units. So these exist in discrete form. तो ये इनका जैसे एक structural representation अगर हम देखेंगे तो इस type से इनका structure tetrahedral form में represented रहेगा. Side view and top view दिखाई दे रहा है यहाँ पे. Second category जो है वो pyrosilicate है. So in pyrosilicate contain Si2O7 6 minus ion which are formed by joining two tetrahedral units with one oxygen atom shared. So one oxygen is shared between two units. तो इसका जो structural representation है वो कुछ इस type का है. Now cyclic silicates contain SiO3 whole and 2 minus species as a repeating unit. And in cyclic silicate, two oxygen atom of every unit is shared with neighboring units. तो ये हमारे पास में 3 membered unit है और ये 6 मेंबर्ड 6 रिपीटिंग यूनिट्स है. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि किस टाइप का इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा. चेन सिलिकेट्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन विच टू ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच यूनिट इज शेयर्ड विद नेबरिंग यूनिट्स. तो इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये इस टाइप का हमारे पास में स्ट्रक्चर है. साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट का फॉर्मूला जो होगा वो सेम ही होगा. नाउ डबल चेन सिलिकेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ यूनिट्स का जो है 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा नेबरिंग यूनिट्स के साथ और कुछ यूनिट्स के 2 ऑक्सीजन एटम नेबरिंग यूनिट्स के साथ शेयर्ड होंगे. और इस टाइप से जो है आप फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं. क्लास में जैसे आपको बताया जाता है कैसे फॉर्मूला डेवलप करना है. यू कैन रिमेंबर डबल चेन सिलिकेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है Si4O11 एंड यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 6N माइनस होगा. सो देर आर टू टाइप ऑफ टेट्राहेड्रा, दोज शेयरिंग 3 वर्टिसेस एंड दोज शेयरिंग ओनली 2 वर्टिसेस. तो ये स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे लाइक जैसे ये जो हमारे पास में देखिए, इसके सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम नेबरिंग यूनिट्स के साथ शेयर्ड है. इस यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम नेबरिंग यूनिट के साथ शेयर्ड है. और इस यूनिट को अगर हम देखेंगे तो इसके 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो नेबरिंग यूनिट्स के साथ शेयर्ड है. तो 2 टाइप के टेट्राहेड्रन्स होंगे. टेट्राहेड्रन्स हैविंग 2 shared oxygen and 3 shared oxygen. Next category जो है वो sheet silicates है, जिसमें हर एक यूनिट के 3 oxygen atom neighboring units के साथ shared होंगे और उनका जो formula है वो Si2O5N हो जाएगा. So in this case we can say 3 oxygen atom of every unit is shared with other units. तो ये एक 2 dimensional sheet silicates बनाएगा. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को अगर हम देखेंगे तो जो ये जो टैल्क है, माइका है, क्ले है, केवोलिनाइट है, ये इम्पॉर्टेंट शीट सिलिकेट्स हैं. ये शीट सिलिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, 2 डायमेंशनल शीट. नाउ जनरल फॉर्मूला ऑफ 3 डायमेंशनल सिलिकेट इज SiO2 होल एंड ऑल द ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 4 माइनस यूनिट इज शेयर्ड विद नेबरिंग यूनिट्स and it results in formation of 3 dimensional network silicate जो कि silica है. so यहाँ पे देखिए SiO2 that is quartz, tridymite and cristobalite, these are the crystalline form of silica.
So when SiO4 4 minus units are replaced by AlO4 5 minus units, three-dimensional aluminosilicates are formed. Feldspar and zeolites are important aluminosilicates. तो ये जस्ट एक क्विक रिविजन के लिए अगेन हम देख सकते हैं जो क्वार्ट्स है वो एक टाइप का फ्रेमवर्क और नेटवर्क सिलिकेट है और पाइरोजीन जो है वो सिंगल चेन सिलिकेट है एम्फीबोल जो है वो डबल चेन सिलिकेट है ठीक है ये फॉर्मूले गिवन होंगे तो हम इनका फॉर्मूला जो है डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप के सिलिकेट्स हैं टेल्क जो है वो शीट सिलिकेट है और इस टाइप से जो अदर हैं जस्ट एक कंपेरिजन के लिए बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है माइका जो है बेसिकली शीट सिलिकेट्स है टू इम्पॉर्टेंट मेन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट ये भी सिलिकेट्स हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे पास में जियोलाइट्स सो इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट्स एंड दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्वायर वन यूनिट नेगेटिव चार्ज सो कैटाइन सच एज सोडियम पोटेशियम एंड समटाइम कैल्शियम बैलेंस दिस नेगेटिव चार्ज So the two important examples of zeolites are feldspar. Zeolites are hydrated zeolites. Hydrated zeolites are used as ion exchange in softening of hard water. So ye jo hai hamara group 14 ke important members ka discussion ho gaya hai. To mere hisab se ye kuch important points the. Maine isko thoda sa is slide presentation ke through revise karne ki ek koshish ki hai. I hope aapko samajh mein aaya hoga ki bhi kaise hame apna जो है रिवीजन करना है कैसे नोट्स बनाने हैं कैसे टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको रिवाइज करना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव ए नाइस डे